नमस्कार दोस्तों, ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर हम जानने वाले हैं कि ई मित्र क्योस्क पोर्टल के माध्यम से BSNL का मोबाइल रिचार्ज किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके लिए कौन सी सर्विस का आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर बहुत ही शानदार कमीशन दिया जाता है, तो वो भी जानकारी दूंगा कि इसके अंदर कितना कमीशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों ई मित्र क्योस्क पे कोई भी आपके पास कोई कस्टमर आया और उसको BSNL का रिचार्ज करना है तो आपको उसको रिचार्ज करके जरूर देना चाहिए, क्योंकि इस सर्विस में अच्छा खासा कमीशन आपको मिल रहा है। तो दोस्तों रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले ई मित्र क्योस्क पोर्टल पर लॉगिन होना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना होगा यूटिलिटी टाइप सर्विस के अंदर, यानी कि यूटिलिटी सर्विस के अंदर आपको जाना होगा। उसके बाद दोस्तों आप यहां पे टाइप करेंगे ZAPU। तो जैसे ही दोस्तों जयपुर से रिचार्ज अतिशी लिमिटेड ये सर्विस है, इसका सेंड करके ओके बटन दबाएंगे और आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। तो इसी सर्विस का उपयोग करके आपको रिचार्ज करना होगा, इसके अंदर बहुत ही शानदार कमीशन मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अभी इस पोर्टल पे आ चुके हैं हम। तो दोस्तों रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले रिचार्ज टाइप के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे अगर स्पेशल है तो स्पेशल और टॉपअप है तो टॉपअप ले लेंगे। उसके बाद जिस मोबाइल नंबर पर रिचार्ज करना है उस मोबाइल फोन नंबर को आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। तो मैं यहाँ BSNL के मोबाइल फोन नंबर दर्ज कर लेता हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप ऑपरेटर का चयन करेंगे, तो यहाँ पे हमने BSNL ले लिया है। उसके बाद दोस्तों कितने का रिचार्ज करना है वो रिचार्ज अमाउंट डाल देंगे, तो रिचार्ज अमाउंट हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों आप प्रोसेस टू पे करेंगे। उसके बाद जैसे ही दोस्तों आप प्रोसेस टू पे करेंगे तो एक बार आप कंप्लीट डिटेल में देख लें कि आप जो प्रीपेड रिचार्ज करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं। उसके बाद प्रोसेस टू पे यस आई एम सॉरी पे क्लिक करेंगे और कुछ ही सेकंड के अंदर आपका रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा। एक बार आपका मोबाइल रिचार्ज सक्सेसफुली हो गया उसके बाद आप इसके जस्ट नीचे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बताएगी और यहाँ पे दोस्तों सक्सेस बताने लग जाएगा। तो मैंने यहाँ दो मोबाइल रिचार्ज किया BSNL के, दोनों यहाँ पे सक्सेस हो चुके हैं। अब दोस्तों हम वापस जाएंगे ई मित्र क्योस्क पोर्टल पे और ये देखेंगे कि हमें इस रिचार्ज पे कुल कितना कमीशन दिया गया है। तो हम दोस्तों ई मित्र क्योस्क पोर्टल पे आ गए हैं। अब हम जाएंगे सर्विस के ऊपर, जस्ट यहाँ पे सर्विस है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के अंदर जाएंगे सर्विस के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिनांक ले लेंगे, कौन सी दिनांक को हमने ये रिचार्ज किया है। उसके बाद दोस्तों पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिटेल कंप्लीट आ जाएगी। तो दो रिचार्ज किए मैंने, तो दोनों का दोनों अभी दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं, दो रिचार्ज जा रहे हैं। तो आगे वाले इस नंबर पे, टोकन नंबर पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपका कमीशन दिखाने लग जाएगा, यानी कि 118 रुपये का जब हमने रिचार्ज किया तो 3.25 रुपये का कमीशन मिला। तो बहुत ही शानदार कमीशन इस सर्विस पे दिया जा रहा है और बड़े ही आसानी से ये रिचार्ज हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये सर्विस पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके मित्र के उस पर BSNL के रिचार्ज करें तो इस सर्विस का इस्तेमाल करके रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें, जिससे आने वाले समय में ऐसे ही और वीडियो आपको मिल सकेंगे। तो बाय बाय दोस्तों।